कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का उनकी पत्नी से तलाक हो गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सचिन पायलट मंगलवार को टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो हलफनामा उनकी ओर से दाखिल किया गया उसमें इन्होंने अपने मटेरियल स्टेटस में तलाक का जिक्र किया था। सचिन पायलट की पत्नी का नाम सारा अब्दुल्ला था, जो कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला ने लव मैरिज की थी। दोनों हालांकि राजनीति के बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आम भारतीयों के परिवारों की तरह इनको भी लव मैरिज में खासी अड़चने झेलनी पड़ी थी। इनका विवाह इनके लिए इसलिए भी खासा चैलेंजिंग रहा है क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मैरिज था। ऐसे में इन दोनों को ही अपने परिवारों की ओर से खासा विरोध का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, हलफनामा में सचिन पायलट ने अपने दोनों बेटों का नाम भी लिखा है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि आरन और विहान दोनों सचिन पायलट के साथ रहेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सचिन पायलट ने अपने चुनावी हलफनामे में सारा पायलट का भी जिक्र किया था और साथ ही उनकी संपत्ति का भी विवरण दिया था। इससे पहले भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के समय दोनों के तलाक की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन तब सचिन ने इसका खंडन किया था। साल 2018 में जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सारा अपने पिता फारूक अब्दुल्ला और दोनों बेटों के साथ शामिल हुई थी। वहीं सचिन पायलट से जब पूछा गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी पहले से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं करती, बहुमत आने के बाद हम तय करते हैं कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा।